जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 21 जुलाई यानी कि कल के दिन के एक्सपायरी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के। तो चलिएगा इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट इस वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोग फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए, कहीं लाइक हम टारगेट रखते हैं 2000 लाइक्स का। तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने आज निफ्टी के अंदर देखा होगा तो कई शानदार तरीके से ओपन हुआ, लगभग 200 प्लस पॉइंट से गैप अप एक ओपनिंग करी। बट गाइस मार्केट अभी ऊपर के लेवल को कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि तो अब जो लेवल होंगे टर्निंग पॉइंट, आप उनके ऊपर ध्यान रखना कि वो लेवल्स कौन से होंगे। तो सबसे पहले अभी आप लोगों को कुछ नहीं करना, 16400 नीचे के जैसे ही नीचे मार्केट निकलती है 30 मिनट सस्टेन करती है तो गाइस आपका सबसे पहला टारगेट होगा गाइस ये वाला यानी कि 16410 के आसपास का। तो गाइस आपका मोटा मोटा 50 से 70 पॉइंट का पहला टारगेट होगा नीचे की तरफ। फ्री फॉल गाइस बहुत दिक्कत है, सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी आराम से आपको मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आप इसके ऊपर ध्यान रखिए। और गाइस अगर आप लोग तेज़ी की सोच रहे हैं तो गाइस अभी थोड़ा तेज़ी से दूर रहो। बट गाइस अगर मार्केट 16570 के ऊपर निकलती है गाइस, वैसे तो आपको निफ्टी कल बोर ही करेगा क्योंकि निफ्टी में थोड़ा मोमेंटम आपको पुट साइड में मिलेगा। बट गाइस बाइंग साइड में आपको कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर बाइंग साइड की तरफ मार्केट रहेगा तो समझ जाना मार्केट कुछ नहीं करेगा, रेंज बाउंड रहेगा। और बट गाइस अगर 16570 के ऊपर हमारी मार्केट 30 मिनट सस्टेन कर लेती है गाइस, तो गाइस समझ जाना मार्केट में आपका अगला टारगेट होगा 16610 और 16640 तक के। तो गाइस ये होगा तभी जब 16570 के ऊपर निकलेगा मार्केट। बट गाइस कोशिश करना, अगर 30 मिनट सस्टेन नहीं होता तो मोटा मोटा मार्केट आपको इस लेवल पर अगेन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देगा, यानी ऊपर जाएगा फिर नीचे गिर जाएगा। इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। अब गाइस मैंने आपको नीचे के लेवल भी बता दिए कि 16480 के नीचे आपको शॉर्ट करके चलना है। बट गाइस ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ नज़र डालोगे, रेजिस्टेंस है कुछ मार्केट के, तो इस मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को काटा तो है। बट गाइस जैसे ही 16440 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 16420 से लेकर, अगर मार्केट इसको होल्ड करेगा तभी एक अपसाइड मूवमेंट मिलेगी। और गाइस इसके नीचे अगर निकलती है और मार्केट 16420 के नीचे निकलती है 30 मिनट सस्टेन, तो गाइस आपको मार्केट फिर बहुत शानदार 16360 तक के टारगेट भी दिखा देगा। उसके नीचे गाइस फिर पैनिक मचना चालू हो जाएगा 16440 के नीचे। तो गाइस उसके बाद आप पुट साइड चले जाना बिंदास। बट गाइस निफ्टी के अंदर यार अभी आपको मैं बता देता हूँ, सेटअप थोड़ा हल्का बन रहा है, कन्फर्म नहीं है कि गाइस मार्केट गिरेगी। बट गाइस बैंक निफ्टी के अंदर जाओगे तो बैंक निफ्टी ने ऐलान कर दिया कि गाइस मैं नीचे जाने के लिए तैयार बैठा हूँ बिल्कुल। तो गाइस इसके ऊपर थोड़ा नज़र बना के रखना है, लेवल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब बात कर लेते हैं गाइस आपको क्या ध्यान रखना है। तो गाइस आपको ध्यान रखना है मार्केट अगर 36100 के ऊपर नहीं निकलती तो यार बिल्कुल भी बाय नहीं करना। इसके आसपास दिखती है आपको अगर 36080 के आसपास तो गाइस आपको पुट ले लेनी है, मार्केट को शॉर्ट ही करना है। बट गाइस 36100 के ऊपर अगर मार्केट 30 मिनट सस्टेन निकल जाएगी तो गाइस समझ जाना मार्केट यहाँ से बुलिश मोमेंटम बना सकता है बैंक निफ्टी, जिसके चांसेस गाइस काफ़ी कम है। गाइस चांसेस ज़्यादा यही है कि फ्री फॉलो के मार्केट आराम से आपको 35640 तक के टारगेट दिखा देगा कल ही। तो गाइस जैसी मार्केट आपका 35850 के नीचे निकले आपको शॉर्ट करना है। पहला आपका टारगेट होगा लगभग गाइस ये वाला 35740 का, दूसरा टारगेट होगा 35640 तक का। तो गाइस ये बात होगी मैंने नीचे की, और इससे ऊपर के मैंने आपको बताई दिया गाइस ऊपर का 36100 के ऊपर ही कुछ तेजी आएगी। बट गाइस कोशिश करना ट्रैप मत हो जाना, हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट होने के काफ़ी कल ज़्यादा चांसेस होने वाले हैं। क्योंकि गाइस मैं तो देखो सिंपल चार्ट देख रहा हूँ, तो सिंपल चार्ट में मुझको नज़र आ रहा है कि मार्केट यहाँ अटक सकती है कल। तो गाइस बाइंग से ज़्यादा थोड़ा सा लग रहा है कि पुट वालों को कल पैसा बन सकता है एक्सपायरी के दिन। बाकी गाइस कल देखते हैं हम गलत होते हैं सही। तो हो गाइस ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। तो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। थैंक यू, जय हिंद।